हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 6 मैथमेटिक्स की। प्यारे बच्चों, वर्कशीट है जो आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट है ये, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 20 मार्क्स का आपका ये टोटल जो है पेपर रहेगा। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको ऐड करना है 3/5 + 2/4 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप साथ साथ जो है इसको सॉल्व करते रहिए। तो 3/5 और 2/4 को सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, नीचे जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया 5 × 4 = 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 को 20 से जो है क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड किया 5 × 4 = 20, तो ये आ गया 12 + 4 = 5 = 20, तो 5 × 2 = 10 आ गया, ठीक है। 12 + 10 आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 22/20, ठीक है। इसको हमने जो है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने काट दिया, तो ये 2 से कट जाएगा। मान लीजिए आप इसको काट रहे हो, 2 से ये हो जाएगा 2 × 11 और ये हो जाएगा आपका 2 × 10, ठीक है, 11/10। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 11/10, ठीक है। अगर आप इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका, एक आ गया ना। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते हैं, 1 and 1/10, ये जो है इसका क्या आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो है आप इसका आंसर यहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट जो है आप कैसे करेंगे, 20 1/6 है, -10/12 है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे बच्चों, देखो एक तो आप ऐसे ही एलसीएम लेके कर सकते हो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम डिनोमिनेटर इसका सेम कर दें तो बहुत आसान हो जाता है, इसका भी हम सेम करके कर सकते थे, आंसर वही आएगा। आप दूसरे तरीके से भी ट्राई करना इसको, तो इसको हम क्या करेंगे, 21/6 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे होगा क्या, उससे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाएगा, ये हो गया 42/12। और आगे हमें जो दिया गया है 10/12 है, तो -10/12, अब हमने पढ़ा था ना डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो यहाँ पे 42 में से आप 10 माइनस कर दो, सीधा जैसे नॉर्मल माइनस करते हो, 32/12 जो है यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो ये हमारा आंसर आ गया। और इसको कर सकते हो आप, 2 से इसको कट कर सकते हो, और 2 6 जा आ जाएगा, 2 3 जा एंड 2 8 जा, ठीक है, तो 8/3 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द इंस्ट्रूमेंट इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल इन द ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। ज्योमेट्री बॉक्स में ट्राइंगल शेप में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो होता है सेट स्क्वायर, ठीक है, सेट स्क्वायर जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए सर्कल हैज द रेडियस ऑफ 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो आप देखिए, सर्कल के अंदर रेडियस जो है वो कितनी है, वो 9 सेंटीमीटर है, और लॉन्गेस्ट कॉर्ड सर्कल की क्या होती है, डायामीटर होता है उसका। ये सर्कल है तो इसके अंदर जो है ये आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, तो या तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 9 + 9 कर दीजिए, एक ही बात है, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है 9 + 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी है, ये हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए गए हैं और इसको हमें ऐड करना है, तो पहले हम इसको सिंपल कर लेंगे। तो ये हो गया, 5 को 5 से गुना करोगे, 5 × 5 = 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए, आ गया आपका 29/5, प्लस 3 6 = 18, 18 में 2 जोड़िए 20, 20/3 आपका यहाँ से आ जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे, 5 × 3 = 15 आ गया, ये एलसीएम आ गया इसका, ठीक है। अब आपको 5 को 15 से डिवाइड करना है, तो 3 आ गया, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 87। इसी तरह प्लस, अब यहाँ पे 5 आएगा, 3 5 = 5 और 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 100। तो ये हमारा आ गया 187/15। इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लेंगे हम, 187 को 15 से भाग कर लेंगे। बेटा ये तो आप कर सकते हो ना, जिस तरह से हमने ऐसे किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर निकालना है तो हमें इसको 15 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा
ट्वेल्व एंड सेवन बाई फिफ्टीन, ये जो है आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको दिया गया है स्टूडेंट्स, इसी तरह से दिया गया है, बस केवल आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेवन फोर जा 28 और वन है ऊपर तो 29, हम इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं ना, 29 बाय 4, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है माइनस, और ये आ जाएगा 4 टू जा 8 एंड 9 बाय 4, ये आ गया। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें डिनोमिनेटर जो है हमारा 4 टू जा 8 एंड 9 बाय 2 आएगा, 9 बाय 2, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है 9 बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितना आएगा, 29 बाय 4 माइनस 9 टू जा बच्चों 18 डिवाइडेड बाय 2 टू जा 4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप 29 में से 18 को डायरेक्ट जो है माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 11, आंसर आ गया 11 बाय 4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 2 एंड 3 बाय 4 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको करना है, ठीक है। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग फिगर्स शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है हमारे पास ओ, एंड सम लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन इन इट, इसके अंदर लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन किए गए हैं। क्लासिफाई द लाइन सेगमेंट्स एज रेडियस, कोड एंड डायामीटर। तो आपको इसके रेडियस बताने हैं, इसका कोड बताना है और इसके डायामीटर बताने हैं। तो इसको हम कर लेंगे, इसमें देखिए बच्चों, इसमें रेडियस जो है वो कौन सी हो जाएंगी, बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये सारी क्या है, ये रेडियस है। तो हम लिख देंगे ओ ई रेडियस है, ओ एफ रेडियस है, उसके अलावा ओ ए रेडियस है, ओ आर रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ठीक है ना, ये सारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। उसके बाद देखिए डायामीटर क्या है, अब कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोड देखिए क्या है, कोड क्या होते हैं, जो भी हमारा सर्कल है उन सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो भी लाइनें होती हैं, जो भी लाइन सेगमेंट है, उनको हम कोड कहते हैं। तो देखिए ये पी क्यू कोड है, एम एन कोड है, और ई और एफ भी जो है यहाँ पे एक कोड है, लॉन्गेस्ट कोड है, तो ये भी हम कोड में इसको इंक्लूड करेंगे। तो ये पी क्यू है, एम एन है और ई एफ है, तो ये क्या है, कोड है, क्लियर, क्योंकि ये सर्कल के दो पॉइंट्स को जो है बिल्कुल एंड टू एंड मिला रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब है तीसरा है, हम लिखेंगे इसमें डायामीटर जो है वो कौन सा है। तो डायामीटर तो सभी बच्चे जानते हैं, डायामीटर तो केवल एक ही होता है, वो क्या है, ई जो है, और यहाँ पे डायामीटर होगा कौन सा, यहाँ पे एक ही है ना जो बिल्कुल सेंटर से पास होगा, वो डायामीटर होगा। तो ई एफ जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, वो डायामीटर है, क्लियर। तो जो भी लाइन सेंटर से पास होगी वो क्या होती है, वो एक सर्कल के डायामीटर है, तो ई एफ यहाँ पे डायामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया है, तो बच्चों यहाँ से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, वैभव एंड प्रिया प्रिपेयर चीज सैंडविच, दे वांटेड टू मेक द डिश डिलीशियस एंड हेल्दी। सो वैभव चॉप्ड हाफ के जी ऑफ अनियन, प्रिया चॉप्ड 1/4 के जी ऑफ कैप्सिकम एंड 1/4 के जी ऑफ टमेटो, हाउ मच इंग्रेडिएंट दे चॉप्ड इन टोटल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा कि किसने कितना चॉप किया है। तो आप यहाँ से लिख देंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर यहाँ कर रहे हैं बच्चों, तो आप लिख देंगे वैभव चॉप्ड, ठीक है, वैभव चॉप्ड अनियन, कितना अनियन किया वैभव ने, हाफ के जी किया, ठीक है। उसके बाद प्रिया, ठीक है बच्चों आप पूरा इसको लिख लीजिएगा प्लीज, प्रिया चॉप्ड अनियन, कितना, प्रिया चॉप्ड कैप्सिकम, प्रिया ने क्या चॉप किया है, प्रिया ने किया है कैप्सिकम चॉप, ठीक है। तो प्रिया ने किया यहाँ पे प्रिया चॉप्ड कैप्सिकम, ठीक है, स्पेलिंग बच्चों आप लिख लीजिएगा यहाँ से, प्रिया चॉप्ड कैप्सिकम 1/4 के जी एंड 1/4 के जी टमेटो, एंड प्रिया चॉप्ड टोमेटो, टोमेटो कितना किया है उसने, 1/4 के जी। अब आपसे पूछा गया है टोटल, तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इन सबको हम ऐड कर देंगे। अब हम इसको डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें
तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो कितना आ गया 2, 3, 4, तो 4/4 आ जाएगा, यानी टोटल कितना आ गया 1 kg। तो इस तरह से आपको करना है। तो टोटल इंग्रेडिएंट कितने चॉप किए, टोटल किए 1 kg। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पीस ऑफ रिबन 12/15 मीटर लॉन्ग, एक रिबन का पीस है 12/15 मीटर लॉन्ग है, ए पीस ऑफ 4/15 मीटर इज कट फ्रॉम इट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग रिबन। तो यहाँ से देखिए क्या किया गया है, टोटल कितना था आपके पास, टोटल जो है टोटल आप लिख दीजिए, टोटल आपके पास है बच्चों 12/15, ठीक है, कट जो किया गया वो किया गया 4/15, तो कितना बचा, तो आप क्या करेंगे 12/15 माइनस 4/15, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 12 में से 4 जो है आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8, 8/15 जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये छोटा सा आंसर था, आप सीधा लिख दीजिए 12/15 माइनस 4/15 घटा दीजिए, तो आपको पास जो है यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर, फ्रैक्शन निकालना है ना आपको रिमेनिंग रिबन का, तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद द सेम सेंटर ड्रॉ 3 सर्कल्स, फर्स्ट विद रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेकंड विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड थर्ड विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है बच्चों ये, इसमें क्या होगा, आप प्रकार लेंगे और जो कंपास है आपका उसमें आप जो है सेंटर से 3 सेंटीमीटर उसको खोलते हुए एक सर्कल बना दीजिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये फर्स्ट सर्कल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यही पॉइंट रखना है, ओ पॉइंट हमने मान लिया इसको, यहाँ पे कंपास रखते हुए आपको अब जो है रेडियस करनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोलते हुए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरा सर्कल लगा देना है, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से आपको 5 सेंटीमीटर जो है कंपास को खोलना है और तीसरा सर्कल ऐसे करके आपको इसमें लगा देना है, ठीक है। तो ये जो सर्कल होगा आपका ये वाला, ये होगा आपका, इसकी होगी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस होगी आपकी 4 सेंटीमीटर और लास्ट वाले की रेडियस होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये सर्कल बना देना है। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, टेक केयर।